आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम बेड्स के साथ स्लीव्स और नेक डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये बुकरम ली है जिसकी लेंथ है 9.5 इंचीज और चौड़ाई है 8.5 इंचीज। इसके साथ ही सेंटर में मैंने एक छोटा पीस अटैच किया हुआ है सीधा कट करके, उसकी लेंथ है 8 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंचेस। इससे हमारी बुकरम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। इसको हम सेंटर से सीधा मोड़ लेंगे। अभी हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है 3 इंच पर। नेक की लेंथ आप अपने पसंद से बना सकते हैं, यहाँ पे मैं 7.2 इंचेस का निशान लगाऊँगी। यहाँ से दोनों निशानों को सीधा मिलाएंगे और उसके बाद हमें नेक की शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ से इसकी जो गैप रखा है वो है 1.5 इंचेस पर। यहाँ पे जो हम कट बनाएंगे उसकी लेंथ रखेंगे लगभग 8 इंचेस। अभी करनी है हमें नेक की कटिंग। यहाँ से हम बिल्कुल हल्के हल्के बुकरम कट करेंगे। अभी हमें फैब्रिक की रॉन्ग साइड नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि 6 इंचेस है। निशानों के ऊपर नेक को अच्छे से मिला लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर नेक को फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और दोनों तरफ अब हम लगाएंगे कट। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हमें अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और राइट साइड सेंटर में सीधा निशान लगाना है। नेक को निशान के ऊपर अच्छे से मिला लेंगे। नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पर ही हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और नेक पर साथ ही हमें छोटे छोटे कट भी लगाने हैं। नेक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे। बाद में हेम स्टिच करके हम इस सिलाई को निकाल देंगे। सिंपल नेक हमने बना लिया है। अब हम नेक के लेंथ का निशान लगाएंगे। अब हमें एक सीधी पट्टी कट करनी है, इसको हम डबल करेंगे। इसको हमें कट के साथ ही स्टिच करना है। एक तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। कट की दूसरी तरफ हम लूप लगाएंगे जिसके लिए हमें बारीक डोरी बनानी है।
देखिए हमने दो बारीक डोरी बना ली है। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। देखिए जो हमने डोरी के पीस कट किए हैं उसको हमें इस तरह से मोड़ना है और लूप बनाने हैं। पूरे कट पर हम इसी तरह से सभी लूप लगा लेंगे। सभी लूप लगाने के बाद हमें लूप के साथ बीड्स भी लगाने हैं। नीडल की हेल्प से हम बीड्स लगा लेंगे और जब हम टाका लगाएंगे तो हमारी जो डोरी है उसके ऊपर भी हम एक छोटा सा टाका लगाएंगे ताकि हमारे लूप ऊपर ना उठे। देखिए सभी लूप पर हमने बीड्स लगा लिए हैं। नेक डिज़ाइन रेडी है। अभी हम स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे। मोहरी को हमने सिंपल मोड़ लिया है और स्लीव की फिटिंग भी कर ली है। देखिए पहले हमें इस तरह से टाका लगाना है, उसके बाद हम बीड्स लेंगे। एक साइज छोटा है और एक बड़ा साइज है। पहले हम बड़ा साइज लेंगे उसके बाद छोटा, और गैप देखेंगे कि बीड्स का कितना गैप रहेगा और गैप के अकॉर्डिंग हम दूसरी तरफ टाका लगाएंगे। छोटे बीड में से निडल को वापस इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हमें इसी तरह से पूरी चेन बनानी है। पहले हम बड़ा बीड लेंगे और उसके बाद छोटा। गैप को देखते हुए दूसरी तरफ हमें टाका लगाना है और छोटे बीड में से हम वापस निकालेंगे निडल को। इसी तरह से हमें स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाना है। देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।